हेलो फ्रेंड्स, आज के एक नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो में आपका स्वागत है। गाइज, आप जिन्हें बॉलीवुड का अपना भगवान या फिर उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हो, गाइज क्या होगा अगर उनके बारे में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जिसके सुनने के बाद गाइज आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा होने वाला है। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो इन्हें रियल लाइफ विलेन या फिर रियल लाइफ डॉन तक मानते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में शुरू से। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर दबा लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी जरूर दबा लेना। नंबर 7, राजपाल यादव। फ्रेंड्स, राजपाल यादव को बॉलीवुड का बेहतरीन कॉमेडियन एक्टर के रूप में देखा जाता है, और इनके ऊपर आरोप ये लगा था कि गाइस पुलिस को ये पता चला था खुफिया जानकारी से कि इनके पास 5 करोड़ रुपए आए हैं। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ किया कि ये पैसे आपके पास कहां से आए, तो इन्होंने बताने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इनको 10 दिनों के लिए जेल में डाल दिया। बाद में दोस्तों इसके बारे में स्पष्टता सामने आई, तब इनको रिहा किया गया जेल से। नंबर 6, मधुर भंडारकर। दोस्तों, इनके बारे में आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग इनके बारे में जानते हैं कि ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशकों में से एक है, और इन्होंने अपनी बहुत सारी हिट फिल्में भी दी हुई है, जैसे कि पेज 3। लेकिन गाइस, इनके ऊपर जो आरोप लगा था वो आरोप बहुत ही ज्यादा घिनौना आरोप था। इनके ऊपर एक मॉडल से रेप करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बारे में दोस्तों लोगों के पता चला तो लोग इनको रियल लाइफ का विलन मानने लगे। नंबर 5, सैफ अली खान। दोस्तों, सैफ अली खान अपने एक्टिंग से काफी सारे लोगों को एंटरटेन किए हुए हैं, और अभी तक के काफी सक्सेसफुल एक्टर रह चुके हैं। लेकिन गाइस, इन्होंने एक शख्स के साथ जो किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था, क्योंकि एक बार ये रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे, और वहीं पे एक और शख्स था जो कि काफी ज्यादा शोरगुल कर रहा था, ऐसा सैफ अली खान का कहना है, और इसीलिए इन्होंने उसके ऊपर एक गुस्सा मारा, अपने आप को ये कंट्रोल ही नहीं कर पाए, जिसके बाद उस शख्स ने तुरंत एक्शन लिया, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें जेल का हवा महसूस करा दिया। गाइस, ये लोग स्क्रीन पे जैसा एक्टिंग करते हैं, रियल लाइफ में उसके बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। नंबर 4, साइनी आहूजा। ये बॉलीवुड के उभरते सितारे थे, और इनके ऊपर जो आरोप लगा था वो आरोप बहुत ही ज्यादा गंभीर था। इनको रियल लाइफ में प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले प्रेमी के रूप में इनको देखा जाता है, लेकिन इनकी खुद की नौकरानी ने बलात्कार का केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद इनका नाक कट गया और लोग इन्हें रियल लाइफ का विलेन मानने लगे। नंबर 3, सलमान खान। दोस्तों, सलमान खान की एक्टिंग को देखकर लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि सलमान खान को एक केस के लिए 5 साल की सजा सुनाया गया था। वो केस था हिट एंड रन मामले के लिए इनको 5 साल के लिए सजा सुनाया गया। और इतना ही नहीं, इन्होंने और भी बहुत सारी गलतियां की, जिसके चलते इनको शर्मनाक का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने एक बार एक पत्रकार के ऊपर थप्पड़ मारा, जिसके बाद दोस्तों इनके फैन फॉलोइंग में इनके प्रति थोड़ा हेट फैल गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे लोगों को धमकियां भी दी है, जिसके चलते दोस्तों कई सारे लोग तो इन्हें रियल लाइफ में ही विलेन मानते हैं। नंबर 2, मोनिका बेदी। गाइस, बॉलीवुड की ये एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने स्ट्रगल तो की है, लेकिन किसी बड़े लेवल पे इनको कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिला है, और इनका बॉलीवुड करियर डूबने का कारण ये खुद है, क्योंकि ये डॉन अबू सलेम के साथ संबंध में रही, जिसके चलते इनको जेल में भी घसीटा गया, और यही कारण है कि इनका बॉलीवुड करियर भी डूब गया। और इतना ही नहीं गाइस, हमारे देश में बिना सही कागजात के एंट्री के लिए इनको पुर्तगाल के जेल में भी घसीटा गया, और ये अपनी खोई हुई प्रसिद्धि लाने के लिए कभी कभी बिग बॉस में आपको देखने को मिलती है। नंबर 1, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त को कौन नहीं जानता है, क्योंकि ये बॉलीवुड के टॉप एक्टरों में से एक है। लेकिन गाइस, इनको कुछ लोग मुंबई का डॉन भी कहते हैं। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि 1993 में मुंबई में एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था, जिस विस्फोट का कनेक्शन इनसे पाया गया था, यानी कि उससे इनका संबंध था, और इनके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए थे, जिसके चलते संजय दत्त को जेल में डाल दिया गया। तो गाइस, ये थे बॉलीवुड के कुछ ऐसे महान एक्टर्स जो कि स्क्रीन पे कुछ और दिखते हैं और रियल लाइफ में कुछ और ही है। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन कॉल पे दबा लो। थैंक्स फॉर